हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और अब तक हमने बिहार हिस्ट्री के अंदर कई चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब हम जो कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जो 1857 की क्रांति से संबंधित होगी, इसके अलावा जो स्वतंत्रता के बाद का बिहार है उससे संबंधित होगी। अब क्वेश्चन आपको मिक्स देखने को मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। पहले 1857 की क्रांति क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, बाद के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको मिक्सचर्स मिलेंगे, चाहे वो क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चन चाहे बिहार से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे वो इकोनॉमी का क्वेश्चन हो या पॉलिटी का क्वेश्चन हो, तो वो सब अब मिक्स आपको मिलने लगेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम बिहार हिस्ट्री से डिस्कस करेंगे वो पूछा गया है कि बिहार के अंदर जो 1857 का क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण नेता बिहार से कौन थे। तो कुंवर सिंह जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बिहार से सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। अब बात करते हैं कुंवर सिंह के बारे में। तो जो कुंवर सिंह थे, ये जो स्वतंत्रता संग्राम था इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिपाही और महानायक थे बिहार से, और स्वतंत्रता प्रेमी थे। इसके अलावा इनको 80 वर्ष की उम्र के अंदर भी लड़ने तथा जीत हासिल करने के लिए जाना जाता था। और इनका जो जन्म था वो बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। तो ये इनके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा इन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया और अपना अंतिम युद्ध जो था वो 1858 के अंदर 23 अप्रैल को लड़ा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने लड़ा और उनको हरा के जगदीशपुर किले से वहाँ से उनको हटाया और यूनियन जैक जो उनका झंडा है उसको उतार के ही दम लिया। और फाइनली उसके बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने अपनी वीरगति प्राप्त करी। तो ये पूरी हिस्ट्री है कुंवर सिंह के बारे में। अब चलते हैं, जब आगे क्वेश्चन आएगा तो और ज़्यादा इनके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि जगदीशपुर में किसने बंदूकें और गोला बारूद लगाने का एक कारखाना स्थापित किया था। तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि कुंवर सिंह जो थे इन्होंने जगदीशपुर से इन सब चीज़ों को लीड किया था। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। वो थे कुंवर सिंह, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी इस क्रांति के अंदर हिस्सा लिया, और न सिर्फ हिस्सा लिया बहुत लंबे समय तक जगदीशपुर को अंग्रेजों से दूर रखा, अंग्रेजों की रीत से दूर रखा, और फाइनली जब उन्होंने एक बार उसको हथियार भी लिया तो फाइनली वापस उनसे लेके माने। तो ये थे जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। उसके बाद आती है कि जो जगदीशपुर के तत्कालीन शाहबाद जिले में स्थित है, अर्थात जगदीशपुर अभी कहाँ है, तत्कालीन शाहबाद जिले के अंदर है, और शाहबाद जिले की राजधानी आरा थी, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 1857 के जो विद्रोह था या फिर 1857 की जो क्रांति थी उससे बिहार का कौन सा क्षेत्र जो था वो अप्रभावित रहा, दानपुर, पटना, आरा या मुजफ्फरनगर। तो देखिए, अभी हमने तीसरे नंबर की बात करी, आरा जो है वो किसकी राजधानी थी, वो राजधानी थी शाहबाद जिले की, और शाहबाद जिले के अंदर जगदीशपुर आता है। तो जगदीशपुर जो था वो तो 1857 क्रांति के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो तीसरा तो आंसर में आ ही नहीं सकता। तो इसका डायरेक्ट आंसर सिर्फ एक होगा, वो होगा मुंगेर। अर्थात मुंगेर वो जगह थी बिहार के अंदर जो 1857 की क्रांति से अप्रभावित रही थी। तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर है, केवल 5, तो बी हमें यहाँ आंसर मिला। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार की बात गया, पटना और तिरहुत, इन जो ये तीन लोकेशन दी गई है, इन तीन लोकेशनों में से तिरहुत जो है वहाँ पे ये सब चीज़ें हुई थी जो हमने यहाँ डिस्कस करी है। तो ये इसका राइट आंसर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ रहा था। तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जगदीशपुर जो था वो 1857 का जो मेन जो क्रांति का टाइम था उसके अंदर जगदीशपुर वहाँ पर क्रांति का हिस्सा रहा था और मुख्य केंद्र रहा था। तो और वो भी किसके नेतृत्व में, कुंवर सिंह के
नेतृत्व में। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, तो उस फरमान का संबंध किस जगह से था, तो वो था आजमगढ़ से। अब आजमगढ़ और कुंवर सिंह का क्या संबंध और इस फरमान की क्या बात है, वो भी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। अब पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था, तो 1845-46 में भी कुंवर सिंह पर यह संदेह किया गया था कि वो किसी षड्यंत्र में शामिल है। तो उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845 से लेकर 46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था, ये अंदेशा लगाया गया था। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि 45-46 के अंदर कुंवर सिंह पर एक अंदेशा था कि वो एक षड्यंत्र में शामिल है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन है कि पटना में जो 1857 जो था उसके विप्लव के नेता कौन थे, तो पटना के अंदर जो नेता थे वो थे पीर अली, और पीर अली जो वहाँ पे एक पुस्तक विक्रेता थे पटना के अंदर, और वो इस विद्रोह के अंदर पराजित हो जाते हैं और उन्हें पटना में ही फांसी दे दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी कि पटना के अंदर नेता कौन थे, पीर अली थे, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया था, तो वो थे रीवा के राजा। अब थोड़ी रीवा के राजा के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं। तो रीवा का जो राजा था वो अंग्रेजों के प्रति कुछ ज़्यादा ही निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य के अंदर कुंवर सिंह को प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन जो रीवा के लोग थे उन्होंने जो कुंवर सिंह थे उनका समर्थन दिया और उनकी सहायता के लिए पहुंच गए, और फाइनली रीवा के अंदर कुंवर सिंह पहुंचे, और उसके बाद वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि रीवा के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था, तो ऑप्शन दिए गए हैं डोगलास, लिग्रेंड, लागुंट और लुगार्ड। तो लिग्रेंड जो थे उसके साथ कुंवर सिंह का युद्ध हुआ था, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके लिए तो कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन लिग्रेंड को पराजित किया और इसके 3 दिन पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जगदीशपुर किले पे जब अंग्रेजों को हटाने के लिए, जो मैंने बात कही कि फाइनली जब जगदीशपुर किले के अंदर से जब अंग्रेजों को हटा दिया था कुंवर सिंह ने, वहाँ से यूनियन जैक जो फ्लैग था उसको हटा दिया था, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन इसके 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी, हजारों रुपए दिए तथा आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान करी, तो वो थे अवध के शाह। मैंने अभी आपको पहले डिस्कस करते हुए बताया था कि अवध के शाह ने कब फरमान दिया, क्या फरमान दिया और कुंवर सिंह को, तो वो सब चीज़ें इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाती है कि कुंवर सिंह को पोशाक दी, हजारों रुपए दिए और आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किया, तो वो थे अवध के शाह, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब का सहयोग किया था, तो वो किया था कानपुर की लड़ाई में, और ये युद्ध जो था ये 1857 में लड़ा गया जिसमें कुंवर सिंह और नाना साहेब को सफलता नहीं मिल पाई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अपना अधिकार जमा लिया था, तो वो जिला था आजमगढ़। तो आजमगढ़ पर कुंवर सिंह ने अपना अधिकार 26 मार्च को जमा लिया था। उसके बाद जो आजमगढ़ में कर्नल मिलमेन तथा कुंवर सिंह के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर अंग्रेज पराजित हो गए और आजमगढ़ पर जो कुंवर सिंह थे उनका पूरा कंप्लीट अधिकार हो गया था। अब क्वेश्चन आता है कि बिहार के अंदर 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता करी थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की सहायता करने वाले कौन से जिले के जमींदार थे, हथुआ, पंडोल और बेतिया, इन तीनों ही जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता करी थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार के अंदर जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके प्रारंभ होने के समय पटना के आयुक्त या कमिश्नर कौन थे, विलियम टेलर,
या सैमुअल्स या लॉयड या इरविन। तो उस वक्त जो विलियम टेलर थे वो पटना के आयुक्त या कमिश्नर थे, और अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके बाद सैमुअल्स की नियुक्ति इस पद पर हो गई थी। तो ये आप याद रखिएगा कि अगस्त 1857 से पहले टेलर और उसके बाद सैमुअल्स। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना में कब 1857 का विद्रोह जो था वो शुरू हुआ, तो वो हुआ 3 जुलाई 1857 को। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ, और आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिरों को अंशतः तोड़ दिया है, इस प्रकार का कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो ये कथन था विंसेंट आयर का। तो अभी तक हमने बिहार के मुख्य क्रांतिकारी कुंवर सिंह जो थे, जो जगदीशपुर के राजा थे, उनके बारे में डिस्कस किए, उनके जो अंग्रेज़ों के साथ जो युद्ध हुआ उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम उनके छोटे भाई के बारे में भी डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया था। तो वो जिलों का सही क्रम था शाहबाद, पटना और बिहार। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद पूछा गया है कि 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था। तो छापामार युद्ध किया था अमर सिंह ने, जो कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद पूछा गया है कि किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था। राजगीर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां या रांची की पहाड़ियां। तो जो कैमूर की पहाड़ियां थी उन्हीं का यूज करते हुए अमर सिंह ने अंग्रेजों के सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था। अब क्वेश्चन है कि दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। देखिए अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो जुलाई 3 जुलाई के अंदर हमने यह डिस्कस किया कि बिहार के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम था और जो विरोध था वो शुरू हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में अभी हमने यहाँ डिस्कस किया है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पटना में कब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, तो वो 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ था। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि दानपुर की सैनिकों ने कंपनी का जो विरोध था वो किया था 25 जुलाई 1857 के अंदर। ये आप दो रिलेट करके याद कर सकते हैं, पटना के अंदर 3 जुलाई, दानपुर के सैनिकों ने 25 जुलाई, ये याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था, तो वो टेलर अधिकारी था जो टेलर जिसने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। इसके बावजूद कुंवर सिंह वहां पर इस आमंत्रण पर पटना उससे मिलने नहीं गए थे। अब क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र पर अधिकार करके कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था, पटना, गया, आरा या दानपुर। तो आरा जगह जो थी, जो हमने अभी पहले डिस्कस करी कि जो राजधानी थी, हमने ये भी डिस्कस किया, तो उस जगह का शासक अपने आप को घोषित कर दिया था कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर से मूव करके आरा का शासक पूरा घोषित कर दिया था। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बिहार में 1857 में मुहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विरोध हुआ था, कहाँ हुआ था। तो बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह जो था वो छपरा में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में किस एक नेता से मिलने का प्रयास किया था। तो उन्होंने प्रयास किया था तात्या टोपे से मिलने का अक्टूबर 1857 में। तो डी इसका राइट आंसर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था। तो अमर सिंह को गिरफ्तार करवाने वाला ने जो था वो थे महाराजा जंग बहादुर। तो इन्होंने दिसंबर 1858 में अमर सिंह को गिरफ्तार करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। इसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई। तो वो हुई थी 5 फरवरी 1860 के अंदर। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा हमने अमर सिंह की अब बात करी, और इसके अलावा अब हम कुंवर सिंह की भी बात करेंगे। जब कुंवर सिंह की कुछ क्वेश्चंस आएंगे इन फ्यूचर, जो
कुछ उनकी मृत्यु और उनका जो फाइनल टाइम था उसके बारे में। तो पेचिस के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। अब क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो वो किया था कुंवर सिंह ने, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो हम स्टार्टिंग से इस वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं। उसके अलावा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो ऑब्वियस सी बात है बिहार से किया था, क्योंकि हम बिहार का ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कब से 1857 की क्रांति के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व, सॉरी कुंवर सिंह जो जिन्होंने बिहार में नेतृत्व किया था उनका देहांत कब हुआ था, तो उनका देहांत होता है 26 अप्रैल 1858 के अंदर, और 23 अप्रैल को वो अंग्रेज़ों को जगदीशपुर किले से हरा के बाहर निकाल देते हैं और उसमें घायल होने की वजह से 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है या देहांत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। उसके अलावा क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे, तो ये तो हमने डिस्कस किया है कि कुंवर सिंह ही थे जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व किया था, और बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था, तो वो रियासत के राजा थे कुंवर सिंह तो राजा थे और वो जगदीशपुर रियासत के राजा थे, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया और बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम जो है वो आपको क्या मिलता है, तो वो विद्रोह का सही क्रम मिलता है पटना, मुजफ्फर और जगदीशपुर, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि बिहार के जो राजगीर परगना था वहाँ का कौन सा स्थानीय नेता था जिसने 1857 के आंदोलन में खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, तो वो थे हैदर अली खां, जिन्होंने राजगीर परगना को अपना आप कह सकते हैं शासन की जगह बनाई और उसका अपने आप को अलग राजा घोषित कर दिया, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि बिहार के शेख भिखारी जो थे वो कहाँ से संबंधित हैं, तो उनका संबंध है बिहार के अंदर 1857 के क्रांति से, 1857 के विद्रोह से, तो इसका राइट आंसर है ए। इसके अलावा जो शेख भिखारी थे उनको अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दे दी गई थी क्योंकि वो 1857 की क्रांति से संबंधित थे बिहार के अंदर। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि बिहार में 1857 का जो जन विद्रोह था वो सबसे पहले किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, हम ये बात नहीं कर रहे कि मुख्य नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, पूछा गया है कि सबसे पहले किसका नेतृत्व मिला था, तो वो मिला था पीर अली के द्वारा और वो भी कहाँ, पटना के अंदर, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा बिहार के अंदर 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 3 जुलाई 1857 को, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो इसका राइट आंसर है डी। इसके अलावा क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था, तो वो हुआ था पटना से, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और उसके बाद जो हम बात करते हैं कुंवर सिंह जो थे उन्होंने जगदीशपुर से उस चीज़ को लीड करते हुए बिहार के अंदर व्यापक स्तर पर इस आंदोलन को फैला दिया था। अब क्वेश्चन है कि पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी, तो वो फांसी कब हुई थी, तो उनको फांसी हुई 7 जुलाई 1857 को, ये याद रखिएगा। और हमने ये भी डिस्कस किया है कि पटना के अंदर जो हमने बात करी कि ये कब जो विद्रोह था वो शुरू हुआ था, और बिहार के अंदर 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी 3 जुलाई 1857 को, और उनको जो फांसी की सजा हुई पीर अली को 1857 की विद्रोह के नेता को, वो हुई 7 जुलाई 1857 को। अब क्वेश्चन है पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस वहाबी नेता को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था, मौलवी अहमदुल्ला, वाइजुक हक
या मोहम्मद हुसैन, तो ये तीनों जो नेता थे, इन तीनों को पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा। उसके बाद क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बिहार के कई जिलों से सैनिक शासन लागू कर दिया था, कई जिलों के अंदर, सारण में, चंपारण में, तिरहुत और पटना, तो ये चारों ही जिले से थे जहाँ पे इन्होंने जो सैनिक शासन जो था वो लागू किया, जिससे कि 1857 की जो क्रांति थी जो व्यापक स्तर पर फैल चुकी थी पूरे देश के अंदर, न सिर्फ बिहार के अंदर, उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना, इनके अलावा हमने जो बात करी कि पूरे बिहार के अंदर ही जो था पूरी तरीके से ये फैल चुकी थी 1857 की क्रांति। फिर जगदीशपुर जो था, जहाँ पे से कुंवर सिंह ने लीड किया था, उसके अंदर एकदम, जो आप कह सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर बिहार के अंदर जो क्रांति फैली वो वहीं से फैली। और पटना के अंदर भी हमने बात करी कि किसने क्रांति का काम किया, तो ये सारी चीज़ें मिलके सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना, ये चार जिले ऐसे हो गए थे जहाँ पे कंडीशन को कंट्रोल करना अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल हो गया था, दबाना मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने इसको, इस संग्राम को कुचलने के लिए उस इन चारों जिलों के अंदर सैनिक शासन लागू कर दिया था। तो चार इसका राइट आंसर होगा, 1, 2, 3, 4। अब क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी। तो संथालों ने 1855 से लेकर 1857 के बीच अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया था, विद्रोह किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। इसके अलावा अब जो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस 1857 क्रांति संबंधित है उनको डिस्कस करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो पहले बात करते हैं इस संथाल विद्रोह के बारे में, बाद में वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो संथाल विद्रोह जो था वो ब्रिटिश शासन काल में जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। तो ये तो यहाँ पे दिया गया है इसका रीज़न कि क्यों ये किया गया था, और ये जो विद्रोह था ये किन दो के बीच में हुआ, ये किया गया आदिवासियों के द्वारा था, और आदिवासियों के विद्रोहों में जितने भी आदिवासियों ने आज तक विद्रोह किए हैं उनमें से संथालों का ये सबसे सशक्त विद्रोह था। अर्थात ये विद्रोह किया आदिवासियों ने, किसकी वजह से किया, जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के वजह से किया, और सबसे सशक्त विद्रोह था और किया गया ब्रिटिश शासन काल के दौरान। तो भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो है उसको जाना जाता है दामन एक कोल। ये आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत हिडन होते हैं एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो दामन एक कोल क्या है, ये भागलपुर से लेकर राजमहल का जो बीच का क्षेत्र था उसको दामन एक कोल के नाम से जाना जाता था, और ये विशेष रूप से संथाल बहुल क्षेत्र था। यहाँ पर हजारों संथालों ने गैर आदिवासियों को भगाने और उनकी सत्ता समाप्त करके अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष किया था। तो ये था कि ये संघर्ष क्यों किया, और ये विद्रोह संथालों के नेता सिद्धू तथा कानू के नेतृत्व में किया गया, ये दो मुख्य नेता थे। इसके अलावा विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदारों, साहूकारों आदि के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से बिहार और उड़ीसा के वीरभूमि, सिंहभूमि, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर के जिलों में हुआ था, और अंग्रेज सरकार ने फिर एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करी 1856 की ईस्वी में, और इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज सरकार ने सफलता पा ली, और सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग जो थी उसको मानकर क्षेत्र के अंदर शांति स्थापित कर दी थी। अर्थात संथाल विद्रोह किया गया क्योंकि उनके ऊपर जमींदारों, साहूकारों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। इसके बाद इस विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा सैन्य कार्रवाई से दबा दिया गया, लेकिन सरकार ने एक मांग उनकी मानी और संथाल परगना का एक अलग क्षेत्र उनको दे दिया। तो इस क्वेश्चन का अब राइट आंसर हम ढूंढेंगे कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिंधु, कान्हा, चांद और भैरव, चारों के चारों इसके नेता थे। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन है
कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो अब पहले बात करते हैं बिरसा मुंडा के बारे में, फिर बात करेंगे इस जनजातीय आंदोलन के बारे में। तो बिरसा मुंडा जी का जन्म जो था वो 1870 के दशक में 1875 में छोटा नागपुर मुंडा परिवार में हुआ था। तो जो मुंडा है एक जनजातीय समूह था और छोटा नागपुर पठार में ये लोग निवास करते थे। बिरसा जी 1895 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। 2 साल की इनको सजा हुई और फाइनली 9 जून 1900 में उनकी हेजे के कारण मौत हो गई थी। तो अब ये हमने बात करी बिरसा मुंडा जी के बारे में। अब क्वेश्चन ये है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो जनजाति आंदोलन था उसका आरंभ कब हुआ था, तो वो हुआ था 1895 के अंदर। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां पर संथालों ने 1855 से लेकर 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो वो जगह मिलती है भागलपुर राजमहल। इसके अलावा मैंने पहले भी आपके लिए संथाल विद्रोह की जो बात का जो क्वेश्चन था उसको हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें भी यही डिस्कस किया गया था कि संथालों ने जो अपना सरकार या अपना जगह जो कवर करी तो वो थी भागलपुर और राजमहल। इसके बाद क्वेश्चन है कि 1866 से लेकर 67 के नील खेती हरो के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए, कौन सी जगह थी जहां पर नील खेतिहरों ने 1866 से लेकर 67 के बीच में बिहार में विद्रोह किया था। तो वो तो सबसे फेमस चंपारण का जो विद्रोह था वो तो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। देखिए चंपारण में नील की खेती है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1866-67 के बीच में नील खेतिहरों ने चंपारण के अंदर विद्रोह किया था। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से लेके 71 के बीच में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, तो वो जगह थी पूर्णिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ बी। इसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो था वो 1778 से लेके 1800 के बीच में हुआ, तो इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला जो था वो प्रभावित हुआ। तो नोनिया विद्रोह से सारण, वैशाली, पूर्णिया ये तीनों के तीनों जिले जो थे वो प्रभावित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो वो आंदोलन है वहाबी आंदोलन। अब हम इस वहाबी आंदोलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बिहार में एग्जैक्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहली बात, वहाबी संप्रदाय इस्लाम की एक शाखा है जिसका स्वभाव अत्यंत कट्टर है, और जो ये वहाबी आंदोलन हुआ था इसके रीज़न क्या थे वो भी अब डिस्कस करते हैं। तो विश्व के अधिकांश वहाबी कतर, सऊदी अरब और यूएई के निवासी आपको मिलते हैं। सऊदी अरब के लगभग 23% लोग वहाबी मिलते हैं, और मुस्लिम धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन था ये जो वहाबी आंदोलन था। तो इसका एक उद्देश्य था कि मुस्लिम धर्म के अंदर सुधारवादी आंदोलन करना या सुधार, पाश्चात्य संस्कृति के जो प्रभाव हैं उनको हटाया जाना। तो पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वोत्तम प्रतिक्रिया जो हुई उसे वहाबी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसी के साथ जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उसको जोड़ दिया गया, और कुछ और फैक्टर्स इसके साथ जोड़ दिए गए थे। तो वहाबी आंदोलन के नेता शाह वाली उल्लाह थे, लेकिन आंदोलन का संस्थापक अशरफ अली थानवी या सैयद अहमद शहीद थे जो थाना भवन उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो ये इस वहाबी आंदोलन के बारे में बात हुई। अब जो ये वहाबी आंदोलन था ये बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण जो एक रोल है वो अदा करता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किसने किया, तो सैयद अहमद शहीद आप कह लीजिए, या फिर आप इसको अशरफ अली थानवी भी आपको नाम मिल सकता है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा जो इनका जन्म था वो उत्तर प्रदेश में हुआ 1786 में। अब
क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। देखिए, मैंने पहला जो मेन रीजन था वो था मुस्लिमों पर जो पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका प्रभाव पड़ रहा था, उसके विरोध के अंदर इस आंदोलन को शुरू किया गया। इसके अलावा जो सामाजिक और धार्मिक सुधार जो मुस्लिम धर्म के अंदर लाने थे उसका भी एक मेन रीजन था। ये दो तो मेन थे ही, इसके अलावा एक तीसरा रीजन इसके साथ और जोड़ दिया गया कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हो। तो ये तीनों रीजन मिलके वहाबी आंदोलन को एक पावर देते हैं, तो तीनों इसके रीजन आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इसके अलावा क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सी जगह थी। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना के अंदर, तो ये पटना इसका राइट आंसर हुआ। इसके अलावा क्वेश्चन है कि भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे, 1854, 31, 55 या 21 में। तो वो 1821 के अंदर पटना आए थे। इसके अलावा 1830 के दशक में पटना केंद्र था किस एक विरोध या विद्रोह का, तो वहाबी विद्रोह का पटना एक केंद्र था 1830 के दशक में। और न सिर्फ 1830 के दशक में, ये 46 वर्षों तक पटना इसका मुख्य केंद्र बना रहा, 1822 से लेके 68 तक। अब क्वेश्चन है कि पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, विलायत अली या इनायत अली थे, या फिर अजीमुल्ला थे, लियाकत अली थे, या गुलाम हुसैन थे। तो जो विलायत अली और इनायत अली थे ये इस वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे, और विलायत अली इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के वहाबी नेताओं में से आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसको मिली थी, अहमदुल्ला को, विलायत अली को, इनायत अली को। तो वो सजा मिली थी अहमदुल्ला को। अब हम पहले बात करते हैं विलायत अली, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ए, अहमदुल्ला। और इसके अलावा जो यहाँ पे देखिए, पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन कालापानी में इसे बदल दिया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे, तो अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे अहमदुल्ला है, तो डी इसका राइट आंसर है, जिन्हें काला पानी की सजा हुई थी। इसके अलावा क्वेश्चन है कि विलायत अली जो थे, जो हमने अभी बात करी विलायत अली और इनायत अली जो दोनों भाई थे, तो विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी, तो विलायत अली की मृत्यु हुई 1854 में। और उसके बाद विलायत अली के बाद जो मुख्य प्रमुख नेता बनते हैं वो बनते हैं इनायत अली, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1858 में। तो ये पूरी बात करी हमने विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, और इस पूरी जो वहाबी आंदोलन है इसके बारे में। अभी कुछ और क्वेश्चंस इसके बारे में डिस्कस करने हैं, जैसे कि वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे, तो वो थे विलायत अली, जो खुद एक प्रमुख नेता थे वहाबी आंदोलन के। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है कि 1864 के अंबाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे, तो वो थे प्लाइडेन। और जो पटना के ये जो वहाबियों के वकील थे, जो उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि प्लाइडेन ने किस प्रकार उनका मत रखा, तो इस मुकदमे में तीन पटना के वहाबियों को मृत्युदंड तथा शेष आठ को आजीवन कालापानी की सजा मिली थी, परंतु बाद में जो मृत्युदंड था उसको आजीवन कालापानी की सजा में बदल दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि अंबाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे, प्लाइडेन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि पटना के वहाबियों की शक्ति कब खत्म होती है, तो 1870 से लेके 71 के आसपास जो वहाबी थे उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो ये हमने वहाबियों के आंदोलन के बारे में यहाँ डिस्कस किया। अब क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे हुए वहाबी कैदियों की रिहाई करवाई थी, लॉर्ड लिट्टन ने, लॉर्ड डफरिन ने, या लॉर्ड एलिंग या रिपन ने। तो जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने जो बचे हुए वहाबी थे उनको 1884 में रिहा कर दिया था, किसके कहने पे, सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर उनको रिहा कर दिया गया था। अब क्वेश्चन है कि जब वहाबी आंदोलन चल रहा था तो उस समय पटना का कमिश्नर कौन था, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि उस वक्त पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ सी। उसके बाद क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था, तो वो थे सैयद अहमद वरेलवी, तो सी इसका राइट आंसर है।
अब जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वहाबी आंदोलन के बारे में, और जो सारे क्वेश्चंस अब तक डिस्कस किए हैं जो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं, तो वो हमने यहाँ डिस्कस किया। अब कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लाने बाकी हैं, उसके बाद हम चलेंगे ज्योग्राफी इकोनॉमी की तरफ। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।